नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत त्यागी और आप सभी का स्वागत है त्यागी क्लासेस। तो बच्चों, आज जिस टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं, आज हम समझने जा रहे हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तीन अंकों की संख्या, चार अंकों की, पांच अंकों की और छह अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो निकालने से पहले बच्चों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वर्गमूल होता क्या है। पहले हम उसे चेक कर लेते हैं, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि वर्गमूल होता क्या है। निकालने से पहले देखते हैं। देखो, अगर बच्चों कोई संख्या 4 है, अगर हमें 4 का वर्गमूल निकालना है तो 4 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? 2। वर्गमूल वो संख्या होती है जिसको उसी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। देखो, 4 का वर्गमूल क्या है? 2। 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, तो क्या आ गया बच्चों? 4। तो इसलिए 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। ऐसे ही अगर हम 9 का वर्गमूल निकाल दे तो क्या आता है? 3। तो 3 × 3 में गुना करते तो बच्चों क्या आता है? 3 × 9। ठीक है, अगर हम 16 का वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल को बच्चों स्क्वायर रूट कहते हैं इंग्लिश में, तो 4×4 = 16, तो 16 का रूट क्या होगा बच्चों? 4। ऐसे 25 का रूट निकालते हैं या वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है बच्चों? 5×5 = 25। सेम ऐसे 36 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 6×36, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6। ऐसे 49 का वर्गमूल निकालते हैं तो देखो 7×7 = 49, तो 49 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? 7। ठीक है, अगर हम 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होगा? देखो 8×64, तो 64 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? 8। ऐसे हम अगर 81 का निकालते हैं तो क्या होता है? 9×9 = 81, तो इसका वर्गमूल क्या होगा बच्चों? 9×81 का वर्गमूल हो गया 9। तो भाई बच्चे शुरू करते हैं कि वर्गमूल हम निकालते हैं। पहले हम देखते हैं 3 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, फास्ट ट्रिक से हम कैसे वर्गमूल निकालें जल्दी से जल्दी। मैं आपको बच्चों ट्रेडिशनल मेथड ही बताऊंगा जो हमने बुक्स में पढ़ाया, 8वीं 9वीं की किताबों में पढ़ाया, उससे कैसे निकालते हैं। ट्रेडिशनल मेथड का भी पता होना चाहिए कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। 3 अंकों की संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है बच्चों, तो पहली संख्या मान लो, सपोज करो हम 196। बच्चों ये जो साइन होता है वर्गमूल का साइन होता है, अगर किसी क्वेश्चन में साइन लगा रहे तो समझो वर्गमूल का साइन है, वो वर्गमूल निकालना चाह रहा है। तो बच्चों 2 से 9 तक के वर्ग तो सबको याद हुए होते हैं, लगभग सब बच्चों के ये याद होते हैं, याद नहीं तो बच्चों आप इसे 5-10 मिनट में याद कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाली संख्या को हम सबसे पहले देखते हैं, लास्ट में क्या लिखा बच्चों? 6 लिखा है। तो हमें देखना है जो 6 है किस किस संख्या के वर्ग करने पे आ रहा है। देखो 6×4 = 16 के लास्ट में क्या रहा बच्चों? 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। और किस संख्या के लास्ट में आ रहा है? 6×36 के लास्ट में 6 आ रहा है। तो जब हम 196 का वर्गमूल निकालेंगे, या तो इसकी लास्ट संख्या क्या होगी? 6 होगी, या इसकी लास्ट संख्या क्या होगी बच्चों? या तो इसकी लास्ट संख्या 4 होगी, क्योंकि 4×4 = 16 के लास्ट में आ रहा है, तो इसकी लास्ट संख्या क्या होगी वर्गमूल की? या तो 4 होगी, या इसकी लास्ट संख्या क्या होगी बच्चों? 6। इन दोनों में से इसकी कोई सी एक लास्ट संख्या होगी, पक्का कंफर्म है। तो इन दोनों संख्याओं को बच्चों आप यहां पे लिख लो 4 और 6, ऐसे यहां पे लिख लिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का काम यहीं पे खत्म हो। अब बच्चों 1 का वर्ग क्या होता है? 1 ही होता है, हमें पता है। तो 1 को हम यहां लिख लेंगे, 1 × 1 = 1, 1 ही होता है क्योंकि ये बराबर आ रहा है। अब क्या करना है बच्चों? 1 में 1 + करके इसमें गुना कर दो, 1 में 1 + करेंगे तो कितना आएगा? 2। इसी में इसकी गुना कर दो, ऐसे 2×1 = 2। तो ये जो 2 आया बच्चों, ये 2 इस 1 से बड़ा है कि छोटा है? बताओ, ये जो 2 आया हमारा, ये जो 2 आया इस 1 से कंपेयर कर लो, 1 हमारा इस 2 से छोटा है, तो हमें इन दोनों में से कौन सी संख्या लेनी है? छोटी संख्या लेनी है। तो छोटी संख्या 4 है या 6 है? तो छोटी संख्या 4 है बच्चों, तो 4 यहां पे लिखेंगे और ये 1 यहां पे लिखेंगे बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 14। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे 14 कैसे आया, सिंपल है बहुत। ठीक है, अब अगली संख्या का एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। अगली संख्या मान लो हम लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो आप, 400 ले लो, सपोज करो 400 है। 400 का वर्गमूल अगर हमें निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालते हैं 400 का वर्गमूल?
वर्गमूल निकालते टाइम अगर दो संख्या होती तो उनमें से एक संख्या बाहर आ जाती है बच्चों, दो में से एक संख्या बाहर आ गई, और चार, चार का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, दो, तो दो को यहां पे लिख देंगे, तो 400 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों, 20। ये और भी सिंपल तरीके से आ गई, ठीक है। अब और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी पे, अगर आप एक और एग्जाम्पल ले, मान लो 841, क्या बच्चों 841 ले, तो 841 का अगर वर्गमूल निकालना बच्चों तो 1 किस किस के लास्ट में आता है बताइए आप, 1 अगर हम देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी लास्ट में क्या आता है बच्चों, 1 आता है। तो इस संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट में या तो इसके 1 आएगा या इसके लास्ट में क्या आएगा बच्चों, 9, क्योंकि 9 9 81 81 के लास्ट में भी क्या आता है 1। तो इसके वर्गमूल में दो संख्याएं आएंगी, या तो 1 आएगा इसके लास्ट में या 8 आएगा, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों संख्याओं का काम खत्म हो गया, क्या बचा 8 बचा। अब हमें 8 देखना है, 8 किस किस संख्या के वर्ग में आता है, अगर हम 2 2 4 करते हैं बच्चों, क्या करते हैं 2 2 4, तो 8 से कम आता है, और अगर हम 3 3 9 करते हैं बच्चों, 3 3 9, तो ये 8 से ज्यादा हो जाता है, तो हमें 8 से छोटे वाला ही लेना है, तो 8 से छोटे वाला क्या है 2 2 4, तो हमें 2 लेना है बच्चों, 8 से छोटा क्या 2। अब 2 में हमें 1 प्लस करके इसी में गुना कर देंगे, 2 में 1 प्लस करो कितना है बच्चों 3, 3 की गुना इसी में कर दो आप, 3 2 6 कितना है बच्चों 6 आया, 6 आया। अब हमारा जो ये 6 आया है, आप बताइए 8 हमारा इस 6 से बड़ा आया है कि छोटा आया है, 8 जो है हमारा इस 6 से बड़ा है, तो हमें इन दोनों में से कौन सी संख्या लेनी है, बड़े वाली संख्या लेनी है, छोटे वाली नहीं लेनी, तो हमें 8 ले लेना है, यहां से 8 ले लेंगे और यहां से हमें 2 लेना है, तो ये किसका वर्गमूल आया बच्चों, 841 का वर्गमूल आया 28। सिंपल है, आप समझ गए होंगे कैसे निकाल। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते बच्चों, इससे आगे चलते देखो, अगर मान लो ये एग्जाम्पल है 784 है सपोज करो आपको, तो देखो 4 किस किस के लास्ट में आता बच्चों, 2 2 4, या तो इसके लास्ट की संख्या 2 होगी या इसके लास्ट की संख्या क्या होगी बच्चों 8 8 64 64 के लास्ट में भी 4 आ रहा है, देख यहां 4, तो या इसके लास्ट की संख्या क्या होगी बच्चों 8, क्योंकि 8 8 64, तो लास्ट की संख्या तो 2 होगी या लास्ट की संख्या 8 होगी, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का काम खत्म हो गया। अब 7 देखो बच्चों किस किस के वर्ग में आता है, 2 2 4 और 3 3 9, 9 तो बड़ा हो जाता है और 4 इससे छोटा रहता है, तो हमें छोटे वाला लेना होता है बच्चों, छोटे वाला क्या है 2 2 4, तो हमें 2 लेना है और 2 में 1 जोड़ना है, 2 में 1 जोड़ा बच्चों कितना है 3, और इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 कितना है बच्चों 6। अब हमारा जो ये 7 है 6 से बड़ा है कि छोटा, 7 6 से बड़ा है, तो इनमें से हमें बड़ी संख्या लेनी है, छोटी संख्या नहीं लेनी, तो बड़ी संख्या क्या है बच्चों 8, तो पहले बड़ी संख्या लिखेंगे और फिर इस 2 को हम यहीं पे लिख देंगे 28। तो इस तरह बच्चों 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल बड़े आराम से निकाल सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने निकाला, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम 4 अंकों वाली संख्या लेते हैं, 4 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पहले हम 1 0 2 4, ये 4 अंकों की संख्या बच्चों, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सेम वही जो 3 का है वही यही तरीका सेम 4 का भी है, तो बच्चों इसके लास्ट में क्या आ रहा है 4, 4 की इसके लास्ट में 2 2 4 और 8 8 64, या तो इसके लास्ट में 2 आएगा बच्चों या 8 आएगा, क्योंकि 8 8 64 के लास्ट में भी 4 आता है, ठीक है बच्चों। इन दोनों संख्याओं का काम खत्म हो गया। अब बच्चों बच्चा 10, अब आप बताइए 10 किसके वर्गों के बीच में आता है, या तो 3 3 9, 3 3 9, 10 किसके बीच में आ रहा है बच्चों 3 का वर्ग 10 से छोटा होता है, 3 3 9, और इससे बड़ा किसका वर्ग होता है बच्चों 4 का, 4 4 16, यहां पे 16 आ रहा है, यहां पे 10 9 आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में 10 आ रहा है, ठीक है। तो हमें छोटे वाली संख्या लेनी है, वही जैसे अभी बताया, तो छोटे वाली संख्या ले लो 3, ठीक है बच्चों। अब आप बताइए 3 में 1 जोड़ दो, कितना भी 4, 4 की इसी में गुना कर दो,
तीन चौक कितना है बच्चों 12। अब जो हमारा 12 आया है वो अगर हमारा जो 10 है 10 12 से छोटा है कि बड़ा है, हमारा जो 10 है वो जो है 12 से छोटा है तो हमें छोटे वाली संख्या लेनी है, बड़े वाली संख्या नहीं लेनी, तो हमें यहाँ पे 2 लिखना है और इस 3 को ऐसे के ऐसे लिख देना, तो हमारा आंसर आया बच्चों 32। सिंपल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, इससे जुड़ता हुआ अगर मान लो ये ले ले 1444, ये है सिंपल। अब देखो इसके बच्चों लास्ट में क्या 4 है, तो 4 किस किसके वर्ग में आता है 2 के और 8 8 64 के, आपने पढ़ा है। इन दोनों संख्याओं का काम खत्म हो गया बच्चों। और 14 किसके बीच में आता है 3 3 9 और 4 4 16 के बीच में आता 14, तो हमें छोटे वाली संख्या लेनी 3। अब 3 में एक जोड़ दो कितना होगा 4 3 4 12। 12 जो है, जो 14 है हमारा वो 12 से बड़ा है, 14 हमारा 12 से बड़ा है, हर बार हमें इसे ही कंपेयर करना है इस संख्या से, तो 14 हमारा 12 से बड़ा है तो हमें कौन सी संख्या लेनी, बड़ी संख्या लेनी, छोटी संख्या नहीं लेनी, तो बड़ी संख्या क्या 8 और ये 3 को यहां पे लिखते हैं, ये आंसर आ गया बच्चों हमारा 38। ठीक है बच्चों, अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं अगर इसी से जुड़ता हूं हमें लेना है। 1600 ले लेते हैं बच्चों, सपोज करो 1600 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 1600 में 2 0 मैंने आपको बताया था, 2 0 में से हमें क्या लेना 1 0 ले लेंगे और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 40 आ गया। सिंपल है। एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल से आप सीख सकते हैं, 9 1 9 3 6 ले लेते हैं बच्चों, तो इसके लास्ट में क्या बच्चों 6 6 इसके लास्ट में आता है, देखो 4 4 16 या तो 4 इसके लास्ट में आता है 4, या तो इसके लास्ट में क्या आता है बच्चों 4 आता है 16 के, या 6 6 36 में भी लास्ट में क्या आता है बच्चों 6 आता है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का काम खत्म। अब 19 किसके बीच में आता है बच्चों, देखो 4 4 16 4 4 16 19 किस किसके बीच में आता है 4 4 16 और 5 5 25, इन दोनों संख्याओं के बीच में 19 आता है, तो हमें छोटे वाली संख्या लेनी 4, तो छोटे वाली संख्या ले लेते हैं 4। ठीक है, अब 4 में एक जोड़ दो, एक जोड़ा 5 5 4 20, जो हमारा 20 है, जो 19 है वो 20 से क्या है छोटा है, 19 20 से छोटा है, तो छोटे वाली संख्या ले लेते हैं बच्चों 4, छोटे वाली संख्या ले ली और इस 4 को भी हम यहीं पे लिख लेंगे, तो इसका आंसर क्या है बच्चों 44, या हमारा आंसर आ गया 44। तो आप समझ गए होंगे बच्चों 4 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल कैसे हम आराम से ट्रिक से निकाल लेते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों 5 अंकों की, तो बच्चों अब देखते हैं 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड भी समझा देता हूं कि ट्रेडिशनल मेथड से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को अच्छे से समझ लेंगे तो वर्गमूल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं बच्चों ट्रेडिशनल मेथड, सपोज करो हमें किसका वर्गमूल निकालना है, हमें 196 का वर्गमूल निकालना, तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते हैं बच्चों, पीछे से पेयर बनाते हैं 96 हो गया, अब 1 में क्या चलेगा 1 1 1 और जितना चलाते हैं उसी को वहीं पे लिख देते हैं उसके नीचे 1 और 1 2, एक में से एक गया 0 बचा, ये 96। ट्रेडिशनल मेथड में जो परंपरागत तरीका है, 9th और 10th की बुक का, 8th की बुक का जो तरीका है, उसमें 2 संख्या नीचे उतारी जाती है बच्चों, एक संख्या नीचे नहीं उतारती। अब 6 लास्ट में आ रहा है बच्चों, 6 किस किस लास्ट में आता है गुना करते हैं, 4 4 16 में आता है और 6 6 36 आता है, 4 देख लेते हैं बच्चों चला, 4 4 16 6 1 4 2 8 और 1 9, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके सिंपल यहां पे लिख दिया, तो 196 का रूट क्या आ गया बच्चों 14। ये ट्रेडिशनल मेथड है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ट्रेडिशनल मेथड होता है क्या हमारा। 324 है बच्चों, सपोज करो 324 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो पीछे से पेयर बनाते हैं, एक पेयर बन गया, अगला पेयर नहीं बचा तो सिंगल संख्या उसी में हम चला लेंगे। ठीक है बच्चों, 3 में किसका पहाड़ा चलता है, देखो 1 2 2 4 भी ज्यादा हो जाता है 3 से, इस वर्गमूल में निकालने का होता है 2 की 2 में ही चलाते हैं, 1 की 1 में ही चलाएंगे, 3 की 3 में चलाएंगे, तो 1 1 1 1 1 1 एक और एक जोड़ा बच्चों कितना है 2, 3 में से 1 घटा दिया कितना है 2, दोनों संख्या नीचे आता गई, अब पीछे आया बच्चों 4। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो 4 है अब किससे यहाँ पे गुणा करेंगे 4,
है तो सिक्स सिक्स जा कर ले तब आता है फोर, सॉरी एट एट जा करते हैं तब 64 में फोर आता है देखो, या फिर टू टू जा करते हैं तब लास्ट में फोर आता है। तो टू टू जा तो बहुत छोटा हो जाएगा बच्चों, एट एट जा देख लेते हैं, चला इसे यहां पे देखते हैं, आठ अट्ठू चौसठ का चार, छह आसी आठ दूनी सोलह और छह बाईस, तो बच्चों कितना आया रूट इसका, इसका रूट आ गया हमारा 18 आंसर। तो ये ट्रेडिशनल मेथड होता है। इस ट्रेडिशनल मेथड को बच्चों मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जब हम पांच अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें ट्रेडिशनल मेथड की जरूरत पड़ती है, थोड़े से भी ज्यादा नहीं थोड़ा सा, ताकि हमारे क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाए। अब बच्चों चलते हैं देखो पांच अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पहले हम इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे ये संख्या है 60516, ठीक है बच्चों। इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक संख्या बता रहा हूं, रूट डिजिट किसे कहते हैं उसे सीख लेते हैं। रूट डिजिट निकालते हैं देखो कैसे, छह और एक सात, सात और पांच बारह, बारह और छह अठारह, ठीक है। आठ और एक को जोड़ा बच्चों कितना है नौ, तो ये क्या है बच्चों रूट, रूट डिजिट, ये रूट डिजिट आई हमारी निकल के नाइन। हर एक संख्या की रूट डिजिट होती है बच्चों, जिस संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है और जो वर्गमूल निकल के आता है अगर दोनों की रूट डिजिट निकालते तो बच्चों बराबर आती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने मैंने निकाला था 196 का रूट क्या आया था बच्चों 14, अगर हम 14 का वर्ग कर दें देखो ऐसे 14 × 14 और 19 9 6 15 1 16 16 6 7, जो रूट डिजिट होती है वो हमेशा सिंगल संख्या होती है, तब तक जोड़ते रहो जब तक सिंगल संख्या ना बने, सात आ गया, ठीक है। अब इसे देखो 4 × 1 5, 4 × 1 5, 5 × 25, 5 × 2 7, देखो 196 का रूट क्या आया था 14 की रूट डिजिट ऐसे निकालेंगे क्योंकि ये रूट निकाला, वर्ग निकाला जाता है इसको दो बार लिखना पड़ेगा बार, तो क्या है रूट डिजिट 7 है, इसकी भी रूट डिजिट कितनी है 7 है, तो इसका वर्गमूल और इसकी ये इससे चेक हो गया कि 7 है, तो दोनों का वर्ग जिसका निकाला जाता है दोनों की रूट डिजिट क्या आती है बच्चों सेम आती है, इस तरह हम इसे फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं बच्चों, इसमें देखो 6 लास्ट में है, इसकी रूट डिजिट 9 है, तो 6 लास्ट में, तो 6 किस संख्या के लास्ट में आता है बच्चों, या तो 4 होता है लास्ट में या क्या होता है 6 होता है, इन दोनों में से एक संख्या होती है तो 4 होता है या 6 होता है, ठीक है। अब हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं, जब ट्रेडिशनल मेथड को सोल्व करते हैं बच्चों तो पीछे से पेयर बनाते हैं ऐसे, तो 6 बचा, 6 में किस संख्या का टेबल चलेगा बच्चों सबसे ज्यादा, 2 × 4 2 × 4, 2 को यहां पे भी लिखते हैं बच्चों 2 और 2 4, तो 2 को हम यहां पे लिख लेंगे और या तो हमारी संख्या ये बनेगी या ये बनेगी। अब हम मिडिल टर्म निकाल, बीच की संख्या और निकालनी है, अब हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों देखो यहां पे अब हमें क्या करना है, 6 में से 4 गया कितने बच्चे बचे 2 बचे, 2 अंक नीचे उतारे 0 और 5 नीचे उतारे, अब लास्ट में क्या है इसके बच्चों 5 है। अब देखो अब यहां पे कितने का टेबल ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चल सकता है, 4 चौक चला के देखते बच्चों, 4 चौक 16 का 6 1, 4 चौक 16 अरे 17, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, तो दूसरी संख्या क्या है बच्चों 4, या तो हमारा रूट डिजिट ये या तो इसका आंसर ये आएगा बच्चों निकल के या ये, इन दोनों में से कोई सा भी निकाल, अभी हमने इसकी रूट डिजिट देखी थी निकाल के बच्चों कितनी आई थी 6 और 1 7 और 5 12 और 6 18 18, इसकी रूट डिजिट देख लो बच्चों क्या है 6 और 1 7 7 और 5 12 12 और 6 18 8 और 1 9। अब हम इनमें से चेक करेंगे कि किसकी रूट डिजिट कौन सी है, अब इसकी रूट डिजिट देख लो निकाल के 2 4 6 × 2 4 6, 6 और 4 10 और 2 12, 6 4 10 और 2 12, 2 और 1 3 2 और 1 3 3 3 9, तो इसकी रूट डिजिट क्या है बच्चों 9, इसकी भी रूट डिजिट क्या है तो हमारा आंसर हो गया 2 4 6। आप समझ गए होंगे बच्चा आपसे कैसे मैंने निकाला। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों इसी का सेम, दूसरा एग्जांपल भी निकाल के देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या करा बच्चों देखो 5 8 5 6 4, तो 4 किसके लास्ट में आता है बच्चों, या तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है लास्ट में, या
8 को 8 से करते हैं 8, 2 64 में लास्ट में 4 आता है, दो ही संख्या होता है जिनके लास्ट में 4 आता है। अब जब हम 4 की बात करते हैं तो लास्ट में तो 2 होगा इसके या लास्ट में 8 होगा, ठीक है बच्चों। अब हम पहले डिजिट कैसे निकालेंगे, देखो यहां से निकालेंगे, ये पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया। अब 5 में किसका टेबल चलेगा बच्चों, 2 दूनी 4, तो फर्स्ट संख्या क्या होगी बच्चों 4, पहली संख्या क्या आएगी 4। अब हम बीच की संख्या निकालेंगे, बीच की संख्या कैसे निकालते, 8 5 नीचे आ गया, इसमें देखो बच्चों इसका 4 चौक 16, 4 चौक ही चल रहा है, 4 चौक 16 का 6 1, 4 चौक 16 है 17, तो बीच की संख्या क्या है बच्चों 4। अब या तो हमारा आंसर ये है या ये है, आंसर हमें कैसे फाइंड करना, रूट डिजिट निकालते, इसकी रूट डिजिट निकालते हैं पहले, 5 8 5 6 4 की रूट डिजिट क्या होती है, देखो 6 4 6 10 और 5 15 15 और 8 23, ठीक है 15 और 23 और 5 28, 8 और 2 10, 10 में 1 जो 1 का कितना है बच्चों 1, ठीक है। अब इसमें देखते हैं रूट डिजिट निकालते हैं, पहले हम इसकी चेक कर लेते हैं कि किसकी रूट डिजिट क्या हो सकती है, तो इसकी रूट डिजिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चों, ये हमारा 2 2 जा 4 चला, सॉरी ये 2 लिखना है बच्चों हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारा 2 2 जा 4 चला था शुरू में, तो 2 मैंने 4 गलती से लिखते 2 2 जा ही लिखना है, ठीक है। अब हमें इसकी रूट डिजिट देखने बच्चों की, इसकी रूट डिजिट क्या हो सकती है, इसकी रूट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले 2 4 2 लिखेंगे, 2 4 2 लिखेंगे बच्चों, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, 8 2 64, 6 और 4 10, 10 1 में 0 जोड़ो बच्चों कितना 1, तो देखो यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ये वाला आंसर हमारा सही है, तो 2 4 2 इसका रूट आ जाएगा निकल के। ये समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों, जब आप करोगे इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। आप अगली ट्रिक की बात पढ़ते हैं बच्चों, अगर हमें 6 संख्याओं का, अब ये 2 एग्जाम्पल है बच्चों, 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल हम सोल्व करते हैं, जैसे हमने 5 का निकाला ऐसे हम 6 का भी निकाल लेंगे, वेरी इजी। तो देखते हैं बच्चों पहले वाले को, 1 7 8 9 2 9, तो 9 किस किस के लास्ट में आता है बच्चों, किस किस को गुना करने पर 9 आता है, तो 3 को 3 से गुना करते हैं बच्चों तब 9 आता है, या 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 9 आता है, तो लास्ट डिजिट या तो 3 होगी बच्चों, लास्ट डिजिट 7 होगी, इन दोनों में से कोई सी लास्ट डिजिट होगी, ठीक है। अब पेयर बन गए ये 2, अब 17 में किसका टेबल चलेगा बच्चों, आपको तो 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 4 8, इसे जोड़ के यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 बचा बच्चों 89 यहाँ, तो पहले वाली संख्या तो 4 होगी, दोनों की 4 होगी पहले वाली डिजिट। अब हमें मिडिल टर्म और निकालनी है, कौन सी आती है, अब हमें 89 निकाल लिया बच्चों, अब हम क्या करते हैं, तो देखो 8 का टेबल इसमें कितनी बार चलेगा, 8 2 जा 16, 2 जा चल रहा 2, देखो 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16 कितना है बच्चों 8, 2 लास्ट मिडिल टर्म क्या आएगी हमारे 2, तो यहाँ पे 2 आएगा या 2 आएगा, अब इसे कैसे चेक करें कि ये सही है कि ये सही है, तो इसकी रूट डिजिट निकालो बच्चों पहले 2 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 9 कितने हो गए बच्चों 20, 20 और 8 28, 28 और 7 कितने हो गए बच्चों 35 और 1 36, 6 और 3 कितने हो गए बच्चों 9, मैंने बताया रूट डिजिट सिंगल संख्या में निकालनी है, तब तक जोड़ते रहो जब तक सिंगल संख्या ना आए। अब इसका निकाल के देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम 4 2 3 का देख लेते हैं निकाल के कि किसका क्या आता है, 4 2 3 लिखते हैं बच्चों, 4 2 3 4 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये भी 9 आएगा, 9 9 9 9 81, 8 1 9, तो देखो इसकी रूट डिजिट 9 है, इसकी रूट डिजिट 9 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 2 3। अब हमको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, कैसे कर सकता है हमारा अगला एग्जाम्पल जो है, इस एग्जाम्पल को देख लेते बच्चों, सोल्व करते हैं कि ये कैसे करना है, देखो 1 7 7 2 4 1, तो 1 लास्ट में आ रहा है बच्चों, तो 9 9 जा 81, 1 लास्ट में आ रहा है, या 1 1 जा 1, दो संख्या लास्ट में आएगी इसकी, या तो 9 लास्ट में आएगा इसके 1 लास्ट में आएगा, कोई सी भी एक संख्या को हम लिख ले, या तो 1 को लिख लेते हैं या 9 को लिख लेते हैं, ठीक है। अब
वही ट्रेडिशनल मेथड पे आ जाते हैं। इसमें 4 4 जा चलेगा बच्चों, 4 4 जा 16, तो 4 को यहां पे भी लिख लेते हैं 4 4 8, ठीक है बच्चों। अब 16 में से 17 16 में 1 बचा और 7 और 2 यहां पे लिख लेते हैं। अब लास्ट में बच्चों क्या रहा इसके 2, अब 2 ही चलेगा इसमें टेबल आपको पता है, 2 2 जा 4 8 2 जा 16, तो मिडिल टर्म क्या है बच्चों, पहली 4 आई है और दूसरी क्या है 2। अब इसकी रूट डिजिट देख लेते हैं बच्चों, चेक करके रूट डिजिट क्या आती है इसकी, 2 4 1, 4 और 1 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 1 22, 2 और 2 4। इसको देख लेते हैं बच्चों रूट डिजिट निकाल के, 4 2 1 × 4 2 1, 2 और 1 3 और 4 7, 2 और 1 3 और 4 7, 7 7 49, और 2 और 1 3 और 4 7, 2 और 1 3 और 1 4 7। अब बच्चों क्या करेंगे देखो, इसमें 9 और 4 13, 3 और 1 4, तो ये भी 4 आया, ये भी 4 आ रहा है, तो हमारा आंसर ये हमारा आंसर का है। तो आशा करता हूं बच्चों आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों जहां तक हो इस वीडियो को शेयर करना, ये वीडियो हमारे देश के गांवों तक जानी चाहिए, जो बच्चे कोचिंग में नहीं आ पाते हैं, कोचिंग लेने में असमर्थ होते हैं, दूर पढ़ते हैं या किसी भी कारण से, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए ताकि वो इस मेथड को समझे और गणित की समस्याओं को आराम से सोल्व कर सके। तो इसी के साथ जय हिंद।